गाइज फेस्टिवल का सीजन चल रहा है और फेस्टिवल के चलते अमेजोन फ्लिपकार्ट पर बहुत सारी डील चल रही है। जैसे कि फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डे सेल चल रही है, अमेजोन पर भी सेल चल रही है। ऐसे में बहुत से मेरे भाई इस सेल का फायदा उठा रहे हैं, सस्ते में ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं। कोई सस्ते में फ़ोन खरीद रहा है, कोई सस्ते में लैपटॉप खरीद रहा है, और जो घर के कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो घर के डेली यूज़ काम आते हैं, ऐसे प्रोडक्ट पर भी इस वक्त भारी छूट मिल रही है, भारी सेल चल रही है। ऐसे में अगर आप अमेजोन से ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, तो अगर आप फर्स्ट टाइम शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको अपना अकाउंट बनाना होता है और आईडी बनानी होती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अमेजोन पर एक नया अकाउंट बना सकते हैं, जिसके बाद आप अमेजोन से ऑनलाइन सस्ते में शॉपिंग कर सकते हैं। गाइज अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो छोटा सा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा से नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यह है टेक्निकल दिलजाद यूट्यूब चैनल, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। गाइज जैसे कि आप मेरे फोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर अमेजोन ऐप हमने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। आपने अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है अमेजोन। जैसे ही आप यहाँ पर अमेजोन सर्च करेंगे, मैं यहाँ पर अमेजोन सर्च करता हूँ, मैंने यहाँ पर अमेजोन सर्च किया तो यहाँ पर अमेजोन एप्लीकेशन आ चुका है। आपको यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अमेजोन ऐप को डाउनलोड कर रखा है, यहाँ पर मेरे पास अपडेट आया है तो मैं यहाँ पर अपडेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आपको अमेजोन ऐप को डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है, और जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, ऑलरेडी, कस्टमर, साइन इन। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑलरेडी कस्टमर साइन इन, ये उन यूजर के लिए है जिन्होंने पहले से ही अमेजोन ऐप में अपना अकाउंट बना रखा है। उन्हें केवल ऑलरेडी एक कस्टमर पर टच करने के बाद यहाँ पर साइन इन करना होता है, अपना ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड डालना होता है, तो उसके बाद वो लोग अमेजोन को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक नया अकाउंट बनाना है तो आप यहां पर सेकंड नंबर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, न्यू टू अमेजोन क्रिएट एन अकाउंट। या फिर अगर आपको अमेजोन में लॉगिन नहीं करना है, केवल आपको प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना है, आपको देखना है कौन सा फोन किस रेट पर है, तो आप यहां पर बिना साइन किए भी स्किप साइन इन पर टच करने के बाद अमेजोन में प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट को देख सकते हैं। तो मुझे अमेजोन का एक नया अकाउंट बनाना है, एक नई आईडी बनानी है, इसलिए मैं यहाँ पर सेकंड नंबर के ऑप्शन पर न्यू टू अमेजोन क्रिएट एन अकाउंट पर टच करूंगा, और हमारे सामने यहाँ पर अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ चुका है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है या फिर आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर टच करता हूँ, और कंटिन्यू पर टच करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, लेट क्रिएट एन अकाउंट यूजिंग फॉर योर मोबाइल नंबर। अब आपको यहाँ पर प्रोसेड टू क्रिएट एन अकाउंट पर टच करना है, और अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। सो गाइज, मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखना है, मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम दिलजाद लिख दिया है, और यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है। अब आपको यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर पर टच करना है। वेरीफाई मोबाइल नंबर पर टच करने के बाद यहाँ पर आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप यहाँ पर इट्स ओके डिटेक्टिव द एक्सिट अकाउंट पर टच करेंगे, और यहाँ पर आप टिक मार्क पर टच करेंगे। अब आप यहाँ पर क्रिएट यूअर अमेजोन अकाउंट पर टच करेंगे, और यहाँ पर अब कुछ समय का टाइम लगेगा, और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि हमारा OTP है 3198921। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो OTP मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर क्रिएट यूअर अमेजोन अकाउंट पर टच करूंगा। सो गाइज, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर सर्विस मैसेज, ये मैसेज वगैरह आप पढ़ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू शॉपिंग पर टच करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो अमेजोन अकाउंट है वो बन चुका है। अगर मैं यहाँ पर प्रोफाइल के आइकन पर टच करता हूँ तो यहाँ पर हमारे अकाउंट की जो डिटेल वगैरह है वो यहाँ पर शो हो चुकी है। हमारा नाम आ चुका है, यूअर ऑर्डर, बाइंग ऑर्डर, या फिर यूअर अकाउंट, यूअर लिस्ट, ये सब डिटेल यहाँ पर शो हो चुका है। अगर हम यहाँ पर अपने नाम के आगे टच करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन आउट का फीचर आ चुका है, यानी कि हम अमेजोन अकाउंट के अंदर अब लॉगिन है। तो इस तरह का आप यहाँ पर अपना अमेजोन का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो को समझने में अगर कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी हेल्प करने में मुझे दिल से खुशी होगी, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।